जी डिस्टर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। डिस्टर्स, आज हम बात करेंगे आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि अगर हमारे पास न्यूक्लियस है और उसके गिर्द अगर इलेक्ट्रॉन है, तो आपको पता है कि कभी इलेक्ट्रॉन कम भी होते हैं, कभी ये ज्यादा भी होते हैं। तो टू सेट इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस, समझ रहे हैं इस बात को, कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को आउटसाइड द न्यूक्लियस सेट करने के अमल को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है सीध में करना, प्रॉपर करना। इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन को। तो अब ये कैसे किया जा सकता है? मैंने कुछ पॉइंट्स रेज किए हैं। पहले मैंने आपको बताया शेल और फिर मैंने आपको बताया सब शेल। अब ये याद रखिएगा कि जो शेल होते हैं वो टोटल 7 होते हैं, ये मैंने अपनी डिटेल्स में बात की भी, मैं आपसे बात करता हूँ। और जो सब शेल्स होते हैं वो टोटल 4 होते हैं। और इनके क्या क्या नाम है? इनके नाम हम ले सकते हैं K, L, M, N, O, P, Q। आज तक सिर्फ Q तक ही बात की गई है, Q तक ही डिस्कवरी हुई है। लेकिन अगर हम बात करें आपसे सब शेल्स की, तो उसमें आते हैं S, P, D, F, यानी कि 4 सब शेल आपको नजर आ रहे हैं जो मैंने बनाए। तो होता क्या फर्क? अब शेल को आप ऑर्बिट भी कह सकते हैं और सब शेल को आप ऑर्बिटल भी कह सकते हैं। ये कुछ ऐसा ही है कि एक बड़ा डब्बा है और उसके अंदर छोटे डब्बे हैं। तो बड़ा डब्बा एक शेल है और उसके अंदर आने वाले छोटे डब्बे सब शेल्स हैं। अब डिपेंड करता है कि डब्बा कितना बड़ा है और उसमें कितने सब शेल्स आ सकते हैं। जिस तरह पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, उसके अंदर आने वाले 4 सूबे हैं, यानी पाकिस्तान एक ऐसा शेल है जिसमें 4 सब शेल। तो इसी तरह से आप हिसाब लगा लें कि ये सब शेल्स हैं। अब इनके अंदर आएंगे सब शेल्स, यानी SPDF। अब एक के अंदर कितने कितने आएंगे वो इनके नंबर से पता लग जाता है। अगर हमारे पास ये पहला शेल है K, तो ये पहला है, इसका मतलब इसमें सिर्फ एक ही सब शेल आएगा, यानी एक ऐसा डब्बा है जिसके अंदर एक ही डब्बा आएगा। और ये दूसरा डब्बा है, अलग से एल एक शेल है और इसमें क्योंकि दूसरे नंबर पे है, तो इसमें सब शेल्स की तादाद 2 होगी, यानी एस और पी। इसमें अगर एस आया तो इसमें आएगा एस और पी, और तीसरे में आएगा SPD। आप बात फौरन समझ गए। इस तरह से हमारे पास एन में SPDF और इसमें SPDF एंड मजीद कॉम्प्लेक्सिटी बनती चलती है। आपकी सिलेबस के हिसाब से हमने सिर्फ पहले 4 पे बात करेंगे, That's it। 4 के अलावा हम बात नहीं करेंगे। फिर हम फर्स्ट ईयर में या किसी डिग्री क्लास में जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड होगी, वहां पर इसकी तफसील की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्या फर्क है? फर्क ये है कि ये मेन एनर्जी लेवल्स होते हैं, शेल्स होते हैं। इनको आप ऑर्बिट भी कह सकते हैं, इनको आप ऑर्बिटल कह सकते हैं, या ऑर्बिट्स या फिर ऑर्बिटल्स, सब शेल या सब शेल्स, शेल या सब शेल्स, या शेल या शेल्स। तो ये शेल्स क्या होते हैं? ये मेन एनर्जी लेवल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन जहां पर होता है वो शेल में ही होता है। और सब शेल और ऑर्बिट्स लाई अंडर द शेल ऑर्बिट्स, यानी कि अगर मैंने कह दिया कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स एक पहले शेल में, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है जिससे आप इलेक्ट्रॉन्स भी बता सकते हो किस शेल में कितने हैं, ये मैं आखिर में आपको बताता हूँ। तो सब शेल जो है ऑर्बिट से अंडर द शेल होते हैं, अंडर द ऑर्बिट होते हैं, ठीक है। और फिर ये मैंने आपको बताया, इनको आप के एल एम एन ओ बी क्यू, यानी 1 2 3 4 कह सकते हो। इनको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका, ये काउंटेड होते हैं, ये एक और फर्क है, ये 1 से काउंट किया जाता है, इनको 0 से काउंट किया जाता है। और ये जो है कह लें कि 1 2 0 1 2 3 एंड रिप्रेजेंटेड बाय एल किया जाता है इनको। स्टूडेंट्स, इनका जनरल फार्मूला भी होता है, ठीक है, जिसे आप इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो, भी मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। लिहाजा 2n² ये जनरल फार्मूला है, और यहाँ पर 2l+1, इनको l से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इनका जनरल फार्मूला 2 l+1 है। और ये कैसे लगेगा फार्मूला, और कैसे हमें अब इलेक्ट्रॉन्स पता लगेंगे शेल्स में और सब शेल्स में, मेरे साथ रहेगा। और हम पहले 20 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी करेंगे, और वो भी इस लेक्चर के अंदर सीख लेंगे। सो आपने कहीं नहीं जाना, अब हम बात करते हैं आपसे कि ये जो जनरल फार्मूला लगाकर पता लगाएं इलेक्ट्रॉन्स का, यानी कि के एल एम एन ओ पी क्यू में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और SPDF में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें अब आपसे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेल्स में और
सब शेल्स। मैंने आपको बताया कि शेल्स का फॉर्मूला ये होता है 2n स्क्वायर्ड और सब शेल्स का फॉर्मूला जो है वो ये होता है सब शेल्स। तो अगर आप ध्यान से सुननी आपने मेरी बात ताकि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकें। थोड़ा सा टफ टॉपिक होता है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें तो कोई मुश्किल नहीं रहती, आसानी हो जाती है। तो ये फॉर्मूला है 2n स्क्वायर फॉर दी शेल्स और ये फॉर्मूला है 2l प्लस, l से रिप्रेजेंट होते हैं सब शेल्स, n से रिप्रेजेंट होते हैं शेल्स, ये आपने याद रखना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखें, हमने आपको बताया था कि के एल एम एन तक हम बात करेंगे, ठीक है। हमने चार की बात की थी, के एल एम एन ओ पी क्यू, बात तो वैसे सात तक है। तो यहाँ पर के की वैल्यू क्या है वन, ये पहला शेल है, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है वन, ये दूसरा शेल है। और इसी तरह से स्टूडेंट्स ये हमारे पास नीचे तीसरा शेल है, फिर ये चौथा शेल है और ये पांचवा। तो ऐसा करते हैं नंबर पीछे लिख लेते हैं, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। तो ये हमारे पास टोटल आपके सामने शेल्स नजर आ रहे हैं आपको, राइट। अब स्टूडेंट्स हमने पता करना है इसमें कि कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पर हमारे पास हम के में इलेक्ट्रॉन अलग करना चाह रहे हैं, एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू क्या है वन। तो आप देखो वन का आप स्केयर करोगे तो क्या होगा वन, वन का स्केयर क्या होगा वन, तो वन का स्केयर वन होता है और वन को फिर टू से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या होगा वन टू आर टू ही होता है ना, वन टू आर वन तो नहीं होता, वन टू आर टू ही होगा। तो लिहाजा अगर हम एल में मालूम करना चाह रहे हैं, ठीक है, अब आप बोले एन की वैल्यू क्या हो गई है, एल में मालूम करना चाह रहे हैं ना, एल एन की वैल्यू क्या हो गई है टू, तो लिहाजा हम यहाँ पर क्या प्लेस करेंगे टू टू का स्क्वायर और फोर टू आर एट। तो लिहाजा आपको पता लगेगा कि एल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो आती है वो आती है एट। इसी तरह से हम चलते हैं आगे और हमारे पास अब एन की वैल्यू क्या है थ्री का स्केयर नाइन, नाइन टू आर एटीन। तो हमें पता लगेगा कि टोटल इलेक्ट्रॉन, अब ये कभी नहीं भूलेगा आपको, अमूमन बच्चे भूल जाते हैं, याद कर लेते हैं ना कि के में दो होते हैं एल में आठ होते हैं एन में, तो दे समहाउ समडे गेट कंफ्यूज, फिर वो एन में एम में सोचते हैं सोलह भी हो सकते हैं सतारह भी हो सकते हैं, डाउट हो जाता है ना उनको। लेकिन जब ये फॉर्मूला याद होगा तो अभी कभी भी आपको डाउट में रहने की जरूरत ही नहीं, आप फॉर्मूला प्लेस करें आंसर निकाल लें। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दैट अब हम चले जाते हैं चौथे में, अब आपको ये तो बात याद रह जाएगी ना कि के पहला है, के के बाद एल आता है, आपको अल्फाबेट्स तो आते होंगे के एल एम एन ओ, इसमें आप गलती नहीं करोगे। और फिर आप वन टू थ्री फोर का सीक्वेंस भी याद रखोगे, के का वन है और एल का टू है और एम का थ्री और एन का फोर है, इसी तरह से आप फिर इसकी वैल्यू प्लेस कर पाओगे। तो लिहाजा आप देखो यहाँ पर हमारे पास जो है एन की वैल्यू क्या हो गई फोर, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन टू दर थर्टी टू। अब देखो हमें पता लग गया कि एन में इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते 32, यानी आप साफ लगाओ अगर लेट्स से हमारे पास ये न्यूक्लियस है और उसके लिए ये पहला शेल है, उसका नाम हम देते हैं के, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, आप समझे बात को। अब हमारे पास ये दूसरा शेल है और ये थोड़ा सा बड़ा शेल है, इसका सरकम फेयर थोड़ा सा बड़ा है, तो के बाद क्या आ रहा था एल, एल में कितने आ रहे थे। अब देखो शेल बड़ा हुआ तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा एंटर हो सकते हैं। इस तरह से हमारे पास एक और शेल है जिसको हम कहते हैं कि एल के बाद एम, एम और बड़ा है, एल से तो बड़ा ही है ना, तो लिहाजा इसमें कितने आ रहे हैं 18। इस तरह से एक और शेल है जो कि एम से भी बड़ा है, इसको हम एन कहेंगे, उसमें कितने आ रहे हैं 32। तो आप खुद सोचें फाइव का स्क्वायर क्या हुआ 25 टू दर 50। अब आप इसमें पता कर लिए सिक्स का स्क्वायर 36 टू दर 72 और सेवन का स्क्वायर 49 टू दर 96, ठीक है 49, तो 98 इज गोइंग टू बी द आंसर। तो ये हमने अब सारे इलेक्ट्रॉन्स का पता लगा, ठीक है। ये बड़ा एक पेंडोरा बॉक्स होता है, ये ओपन नहीं होता स्टूडेंट से, लेकिन आई होप कि आप सबको पता लग गया होगा। अब बात करते हैं हम सब शेल्स की, राइट। तो स्टूडेंट सब शेल्स की बात करते हैं, हमें पता है कि इनको रिप्रेजेंट किया जाता है एल से, इनकी तादाद है एस पी डी एफ। अब इसको जीरो स्टार्ट करते हैं, ये जीरो है, ये वन है और ये टू है, और ये आपको याद होगा इसको हमने कहा था वन से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इनको हम करेंगे स्टार्ट जीरो से, ये फर्क है दोनों में। और यहाँ पर इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो एल से। अब देखो यहाँ पर एल की वैल्यू क्या है जीरो, तो यहाँ पर क्या लगाऊंगा जीरो प्लस वन वन टू आर, यानी एस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे आई बात समझ में, एस में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते। अब इस तरह से आप ऐसा करो कि एल की वैल्यू लगानी है, एल की वैल्यू क्या लगा रहे हो
वन, एल की वैल्यू वन लगा दी हमने, तो वन प्लस वन टू, टू आर फोर, तो ये गलत हो गया। तो स्टूडेंट्स एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, हमने फॉर्मूला आपको पीछे डिफरेंस में भी गलत बताया है, वो आप सही कर लो, और यहाँ पर भी आई डोंट नो शायद थोड़ा सा मैं भूल भी जाता हूँ कभी कभी, लेकिन ये बहुत रेयर होता है, कभी कभी होता है, तो ये थोड़ा सा डाउट था, मुझे चाहिए था कि मैं इसको क्लियर कर लेता, लेकिन ये है कि जब मैंने फॉर्मूला प्लेस करने लगा तो कुछ मुझे वैल्यूज याद थी, तो उस हिसाब से नहीं है, तो मैंने फॉर्म कन्फिगर कर लिया। इस तरह कभी गड़बड़ हो भी जाती है, तो आपने अगर कुछ पॉइंट्स आपको याद होते हैं तो आप उससे सही पॉइंट्स की तरफ जा सकते हो, तो मैंने आपको इसी तरह सही फॉर्मूला बता दिया ये, ठीक है। अभी हम इसके दोबारा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, अभी एल की वैल्यू क्या प्लेस की है, टू जीरो बार जीरो ही होगा ना, और जीरो प्लस वन वन टू दार, तो वही आंसर हुआ टू ही हुआ। अब देखो हमने एल की वैल्यू प्लेस कर देनी है वन, क्योंकि पहले शल का निकालना है, तो यहाँ वन प्लेस कर दिया, टू वन दार टू प्लस वन थ्री, टू प्लस वन थ्री, थ्री टू दार सिक्स, तो आप पी में छह इलेक्ट्रॉन लाएंगे, ठीक है, ये अब सही हो गया। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पर फिर दोबारा से हम एल की बात करेंगे, राइट। अब टू वैल्यू एल की, ठीक है, तो टू टू दार फोर प्लस वन फाइव, टू दार तो ये देखो इसमें दस आ गए। इसी तरह से हम प्लेस कर देंगे वैल्यू अब थ्री, थ्री ज्यादा वैल्यू नहीं प्लेस कर सकते आप। अब टू थ्री दार सिक्स प्लस वन सेवन, टू दार फोर्टीन, तो इस तरह से आप याद रखना कि एफ में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में सिक्स आ सकते हैं, डी में टेन आ सकते हैं, और एफ में फोर्टीन आ सकते हैं। ये फॉर्मूला मुझे भूल रहा था, आपको भी भूल सकते हैं, तो लिहाजा आपने इसको याद रखना है, ठीक है। दैट इज टू ब्रैकेट टू एल प्लस वन, और यहाँ पर ये टू एन स्क्वेयर्ड है, ये मैंने बिल्कुल ठीक लगाया था, तो टू एन स्क्वेयर्ड ही फॉर्मूला है। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं कन्फिग्रेशन किसी भी एलिमेंट की, एटम की, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ट्री बना के देता हूँ, दैट इज कॉल्ड द सबशेल ट्री, जिससे आपको अंदाजा होगा। एक चीज मैं आपको थोड़ी सी और बताता हूँ कि अगर हमारे पास ये लेट से दैट एक एरिया है, ये न्यूक्लियस है, और ये एक एरिया है, लेट से दैट ये एक एरिया है, इसको इस एरिया को हमने नाम दिया है के, किसको हमने नाम दिया है के, ठीक है, और ये हमारे पास आगे चले गए हम तो फिर एक और एरिया है, यू नो, इसको हमने नाम दिया है के बाद एल, तो हम के की बात करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन के में कैसे घूम रहा है, क्योंकि आपको पता है कि के में जो है वो ए की सबशेल आएगा, दैट इज एफ, और उसके बाद एल में जो है वो दो सबशेल आएंगे एस और बी। तो मैं इतना आपको बताऊं कि जो k है इसमें 1s आएगा, 1s2, क्योंकि ये पहला शेल है और इसमें s ही आ सकता है और इसमें इलेक्ट्रॉन दो आ सकते हैं, यानी इसलिए हम कहेंगे k में भी आपने दो इलेक्ट्रॉन ही निकाले थे, आपको याद होगा k में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इस तरह अब अगला शेल है क्या है l, इसकी वैल्यू क्या थी 2, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते थे 8, तो इसमें ये दूसरा शेल है, तो इसमें दो सब शेल आ सकते हैं, 1s सॉरी 2s, क्योंकि दूसरा है ना शेल ये, और 2s 2 और 2p 6। अब देखिए आप ये 2s 2 का मतलब है कि दूसरा शेल है f इसमें आया हुआ है, और 2 का मतलब दूसरा शेल है ये p 20 के अंदर ही आया हुआ है, और इसमें दो इलेक्ट्रॉन, इसमें छह इलेक्ट्रॉन, दोनों को मिला लेते टोटल 8 हो जाएगा। तो दैट मेक्स एन आइडिया कि भाई हमारे पास जो शेल है और जो सब शेल है वो किस तरह एडजस्ट हो रहे हैं। लेकिन ये चीज मैं आपको भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है एक ट्री से भी सिखाता हूँ, एक शॉर्ट मेथड भी है उसको भी फॉलो कर लेते हैं, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारी एलिमेंट्स की करेंगे, और ना सिर्फ एटम्स की, ये भी एक चीज है कि हम सिर्फ एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे बल्कि हम आयंस की भी करेंगे, ताकि एटम्स प्लस आयंस का दोनों का हमें अंदाजा हो जाए। जी तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो है वो n की वैल्यू है, आपको पता है n की वैल्यू जो है वो अगर हम 1 लें 2 लें 3 लें 4 n, आपको पता है n की वैल्यू कहाँ स्टार्ट होती है 1 से, n की वैल्यू तो 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन l की वैल्यू जो है वो तो बहरहाल हम अभी n की बात कर रहे हैं, तो n की वैल्यू 1 है तो शेल कौन सा हुआ k, अगर 2 वैल्यू तो सिलेबस में आपके n तक ही है, और आपको फिर पता ही है कि आपको यहाँ पर आएगा क्या, कौन सा आएगा सबशेल एस आएगा, ठीक है, और चूंकि पहले शेल है तो इसलिए 1s लिखूंगा मैं यहाँ, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 2, समझ रहे इस चीज को आप, yes, तो लिहाजा आप ये भी सोच सकते हैं कि इसमें जो शेल आएगा वो बेसिकली 1s आएगा, चले पहले ये सोच लें, इसमें दो आएंगे एस और पी, इसमें आएंगे एस पी और डी, इसमें आएंगे एस पी और डी और एफ, इसको वन, यहाँ वन लगा दूंगा, क्यों लगाया वन मैंने, फर्स्ट शेल,
और यहाँ पर इसकी जगह सर भी टू लगाया, सर भी टू लगाया, सर थ्री लगाया, यहाँ पर भी थ्री लगा दिया, यहाँ पर भी थ्री लगा दिया, यहाँ पे फोर फोर फोर, यहाँ पे तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, टू, यहाँ पे भी टू। अब एफ में तो दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो हमने सीख लिया ना, दो ही आएंगे। अब पी में कितने आते हैं, छ छ, और यहाँ पर भी छह ही लिखूंगा, और यहाँ पे दस आएंगे, यहाँ पे दस, और यहाँ पे फोर्टीन आएंगे। इन सब इलेक्ट्रॉन को जमा करो तो आपको आप एन के अंदर इलेक्ट्रॉन की दर का पता लगेगा। देखो ना आपने फोर का फॉर्मूला क्या लगाया था, टू एन स्क्वायर, फोर की क्या वैल्यू है, एन की क्या वैल्यू, फोर, टू एन फोर, फोर फोर सिक्सटीन, टू उधर थर्टी टू। समझ में आ रही है बात, यानी एन में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, थर्टी टू आएंगे, टू प्लस सिक्स एट, एट प्लस टेन एटीन, प्लस फोर्टीन थर्टी टू, सो वी गॉट द आंसर। तो लिहाजा आप याद रखना कि जो शेल्स होती हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन, इसमें दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें आठ आ सकते हैं, इसमें अठारह आ सकते हैं, इसमें थर्टी टू आ सकते हैं। सो दीज आर गुड नंबर्स, इनको आपने याद रखना। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ट्री कैसे बनाई जा सकती है, और फिर एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जा सकती है। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ट्री कैसे बनाई जा सकती है, अब देखें हमारे पास टोटल जो हो सकते हैं शेल्स, वो हो सकते हैं 1s, 2, 2s, 2, 3s, 2, और फिर 3, सॉरी 4 हो जाएगा ना, 4s, 2, 5s, 2, 6s, 2, और 7s, 2। अब यहां से आपने एक अगर ये बबल्स बना लिए ना, आपने लेट्स से दैट, ये आपने कितने बबल्स बनाए, 7, जो कि मैंने आपको बताया था कि 7 शेल्स होते हैं, तो 7 ही बनाओ। बुक में थोड़े बनाए हैं, लेकिन मैं आपको सारा सिखा रहा हूँ। एक ट्राइंगल क्रिएट करते हैं। अब यहाँ से आपने ये बबल छोड़ देना, दूसरे बबल से स्टार्ट लेना है, यहाँ से आपने आखिरी बबल छोड़ देना है, उससे ऊपर वाले बबल स्टार्ट लेना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 2 अगला शेल क्या है, पी, 6 होते हैं ना इसमें, और फिर क्या होगा, 3p6, फिर 4p6, फिर 5p6, फिर 6p6। मैंने आपसे कहा था कि आखिरी बबल ड्रॉप कर देना आपने, ठीक है। yes, तो ये हमारे पास अब कितने बबल्स हो गए, कितने हो गए, 5 बबल्स हो गए। अब इसमें से ये बबल छोड़ देंगे और आखिरी बबल छोड़ देंगे, क्या होगा, 3d10, 4d10, 5d10, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये बबल बन गए, अब ये बबल छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, और ये बबल को कंटिन्यू करेंगे, तो ये हो जाएगा 4f4d। अब कटिंग बड़ी ध्यान से करनी है आपने, ठीक है। ये देखें, अब पहले एरो में आपने एक ही बबल को कट करना है, दूसरे एरो में आपने एक ही बबल को कट करना है, पहले और दूसरे एरो में हमने एक बबल कट किया, फिर आपने दो बबल्स को कट करना है, फिर दो बबल्स को कट करना है, फिर तीन बबल्स को कट करना है, फिर तीन बबल्स को कट करना है, और फिर चार बबल्स। अब हम टेल से हेड की तरफ जाके कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जैसे सोडियम की कर लेते हैं। सोडियम 11 नंबर पे आता है, यानी टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1s2 लिखेंगे पहले, ठीक है। और आपको पता है कि 1s2 के बाद अगला सेकंड एरो है, सेकंड एरो भी टेल से स्टार्ट लेंगे, तो क्या लिखेंगे, 2s2। इस तरह से थर्ड एरो की बारी आ जाएगी, थर्ड एरो भी टेल से स्टार्ट लेंगे, 2p6। इलेक्ट्रॉन भी गिन लेंगे, 10 हो गए। yes. अब देखें 2p6 के बाद किसकी आएगी बारी, 3s2। अब दो दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन लगा दे तो 12 बन जाते हैं, लेकिन करने कितने हैं, तो आप कम कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते। तो ये आप बुक में देखें, आपकी आप भी बुक निकाल लें, बुक में देखें आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है ये बिल्कुल सोडियम की वही है जो मैंने आपको करके दिखा दी है। तो दैट इज कॉल्ड द ट्री मेथड। आप ऐसा करो, कैल्शियम भी करके देखते हैं, कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब उसका भी यही करोगे, पहले एरो की तरफ देखोगे 1s2, फिर आप जाओगे दूसरे एरो की तरफ 2s2, फिर जाओगे तीसरे एरो की तरफ 2p6, और फिर इसके आगे भी एक बबल है 3s2, फिर इसके बाद आप जाएंगे चौथे एरो की तरफ 3p6, फिर 4s2, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 20। तो हमने करने कितने थे, 20। ये हो गया। अब देखो एक और चीज मैं बताता हूँ आपको, अब आपको पता है नंबर से आपको शेल का अंदाजा हो जाता है, क्या ख्याल है, नंबर से आपको शेल का अंदाजा हो जाता है, शेल का। ये कौन सा शेल है, एल एम एम, ये देखो इसमें दो इलेक्ट्रॉन पूरे आए हुए हैं,
ध्यान करिए जो जरा मैजिक हो रहा है यहाँ पे, इसमें दो इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं, इसमें कितने आए हुए हैं? यही सिखाया आपको? यस सर। इस तरह से इसमें कितने आए हुए हैं? आपको मुझे सिर्फ 18 सिखाए हैं, लेकिन आए 8 हुए, तो याद रखो आते 18 है, और यहाँ पर जो है वो दो आए हुए हैं, यानी एन में दो आए हुए हैं। तो ये जो आखिरी शेल होता है ना, जो कि एन है बेसिकली, जो कि 4s2 है, इसे कहते हैं लास्ट वेलेंट सब शेल, वेलेंट शेल। इसमें दो है हमारे पास नंबर, इसे हम वेलेंसी कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके हमें पता लग जाता है कि किसी भी एटम की आखिरी सबसे में जितने इलेक्ट्रॉन थे वही उसकी वैलेंसी होती है। यानी यहाँ पे वैलेंसी क्या है? 1 है। इसलिए सोडियम को +1 लिखते हैं और कैल्शियम को +2 लिखते हैं। तो बहरहाल ये बातें कुछ हो रहे हैं। अब ये मैंने आपको सिखाना थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आपको बोर्ड में आती है, यही पूछते ज्यादातर। और फिर डीप इनसाइड कॉन्सेप्ट भी आपको मैं बता रहा हूँ साथ साथ, कि KLMN है और फिर 2882 है। तो ये सारी बातें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास मेथड। आप कितने भी इलेक्ट्रॉन ले लें यहाँ पे, आपकी बुक में तो सिर्फ 20 बताया ना, तो आप 40 एटम, जिसमें 40 इलेक्ट्रॉन है, उसको भी आप सेट कर सकते हैं, तो उसको भी आप हल निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक जिसमें मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन सिखाई, और मैंने कहा था मैं आपको आयंस की भी सिखाऊंगा। लेट्स से दैट हमारे पास एक आयन है एल्युमिनियम +3। अब आपको पता है कि एल्युमिनियम बेसिकली प्रोडक्ट टेबल का 13th एलिमेंट है। 13th एलिमेंट का मतलब है कि ये प्रोडक्ट टेबल में जो है वो 13वें नंबर पे आता है। तो 13वें नंबर पे आने का मतलब है कि ये 13 इलेक्ट्रॉन रखता है, और +3 का मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन कम है। तो यानी कि हमने कितने इलेक्ट्रॉन को सेट करना है? 10 इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि 13 में से 3 निकाल दो तभी तो +3 होगा ना। अब 10 इलेक्ट्रॉन को सेट कर लेते हैं। ये देखो 2 2, और ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन है? एल्युमिनियम आयन की। यानी क्या लिखूंगा? 1s2 2s2 2p6, ठीक है। तो ये यहाँ पे लगेगा कॉमा। जब भी शेल होते हैं ना शेल, इस तरह यहाँ कॉमा लगा सकते हो, तो फिर ये यहाँ कॉमा लगा सकते हो, फिर ये यहाँ कॉमा, मतलब जैसे ही शेल चेंज होता है कॉमा चेंज हो जाता है। अगर आप चाहो तो हर जगह भी कॉमा लगा सकते हो, उतनी की बड़ी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट? यू कैन टेक अ कॉमा एनीवेयर। तो ये यहाँ पे भी लगा सकते हैं, नो वरीज। तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसका क्या पता लगा हमें कि इसके अंदर जो है कितने शेल्स हैं? ये दो नंबर हैं, दूसरा शेल, ये पहला शेल के और ये एल। के में कितने हैं? 2। एल में कितने हैं? 8। ये है हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन किसकी? एल्युमिनियम आयन की, ठीक है। इसी तरह से आपने मुझे कमेंट करना है अब P-3 आयन का, ठीक है, कि फॉस्फाइड आयन, इसे कहते हैं फॉस्फाइड आयन, इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है, यह आपने मुझे करके दिखानी है, ठीक है। तो ऐसे ही आप बुक से, आपके 18 एलिमेंट्स दिए हुए, एटम दिए हुए, वो टेबल बनाया हुआ कॉन्फ़िगरेशन का, आप इसी मेथड से सारा कर सकते हो। और अगर आपको समझ में नहीं आई, आप वीडियो में बैक जाओ और एक दफ़ा और देखो, फिर समझ में, एक दफ़ा फिर बैक जाओ, फिर देखो, 3 दफ़ा देखोगे इस चीज़ को, इंशाल्लाह 100% समझ में आ जाएगी। मैंने कोई गलती नहीं की आपको समझाने में। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें मैंने आपको एक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है, आई होप कि आपको डाइजेस्ट हो जाए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा आज का टॉपिक था। बोर्ड में जो सवालात आते हैं वो ये है कि 2 नंबर की कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है, एटम की आ जाए या आयन की आ जाए, और इसके अलावा शेल और सब शेल में क्या फ़र्क होता है, वो शुरू में मैंने वीडियो के आपको बता दिया था। तो स्टूडेंट्स, अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा, चैनल के साथ रहो, सब्सक्राइब करो, और दैट्स इट, थैंक यू सो मच।